अब फ्रेंड्स हम देखते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, सी प्लस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ सी जो एक हमारे पास नंबर दिया होगा जिस पे हमें उसका डेरिवेटिव चेक करना है। सी प्लस का मतलब है सी से कुछ पॉजिटिव साइड है, सी प्लस एच, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और लिमिट एच टेंस टू जीरो सी प्लस सॉरी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। आप यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो सी सो सी कट जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, अगर ये लिमिट हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी एग्जिस्ट करी और फाइनाइट है, देन द लिमिट वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लिमिट वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इफ एक्स टेंड्स टू सी माइनस, यानी सी माइनस, माइनस का सेंस वो क्या करता है, जो सी है उससे कुछ कम नंबर पर, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच। अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह फ्रेंड्स सी माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा। आप पुट करके देख सकते हो सी माइनस एच पुट करोगे सी से सी कट जाएगा और माइनस एच बच जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एस, अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, यानी जो ये वैल्यू जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी। अगर ये फंक्शन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी फ्रेंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी।